हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीट गेमिंग वाईटी। और गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्ट्रीट गेमिंग वाईटी पर। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। जिसे बोलते हैं ना हार्ड वाली वीडियो, वो होने वाली है। क्योंकि गाइस, इस बार मैं आपको बताऊँगा कि प्रो कैसे बने। क्योंकि गाइस, नूब करते हैं M10 चलाने में और बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, स्क्रॉल वो सब आपको अगली वीडियो में भी बताऊँगा। और इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि M10 कैसे चलाते हैं, वो भी हेडशॉट कूद के कैसे मारेंगे, या फिर जंप एंड फायर, जो भी आपका हो, कवर एंड फायर, और भी बहुत चीज़ें। और ये गाइस नया इवेंट आया है, बूया इवेंट, इसके बारे में भी मैं कुछ बता दूँ। 20 मिलियन पे आपको एक गोल्ड रॉयल वाउचर मिलेगा, और ये बूया गो पे आपको ये टोकन्स मिलेंगे, जैसे कि आप ये ऊपर देख सकते हो, राजे वाले 62 है मेरे पास। मैंने एक शर्ट ली है जो बिना वेस्ट की है, एक जर्सी टाइप की लगती है गाइस, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो और इधर है अपना लूट बॉक्स भी गाइज, मैं ये लूट बॉक्स लेना चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी हार्ड लगता है। आप देख सकते हो इसके आगे एक मुंडी छपी है, और ये नेट भी गाइज काफ़ी हार्ड लगता है। नेट तो फिर भी ठीक ही है, ले लेंगे। और इधर 30 बिलियन गाइज, 30 बिलियन पे आपका ये खुलेगा, जिसमें बल्ले की स्किन है, अच्छी है। फिर ये लड़की की शर्ट है, ये भी अच्छा है। पैंट तो गाइज काफ़ी ओपी है, काफ़ी। फिर ये मुँह और चश्मा बढ़िया है, वो इंक्यूबलेटर टाइप का, बाल तो बढ़िया ही रहते हैं गाइज लड़की के, लड़कों के ही ख़राब करते हैं लोग तो। और गाइज ये जूते भी बढ़िया हैं, स्केटबोर्ड देखा जाए तो स्केटबोर्ड भी गाइज ठीक ही ठाक है, नूबड़ों के लिए तो गाइज सब कुछ चलता है। और फिर गाइज इधर बुया मारना पड़ेगा आप सभी को, तभी ये जाकर मिलेगा। और ऐसी बुया मारते रहो गाइज, और मदद करो, मैंने भी मारी है बहुत सारी बुया, तभी ये बढ़ रहा है गाइज, सब लोग बुया मार रहे तभी बढ़ रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर से तो कुछ जाएगा नहीं। और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि गाइस एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि और मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा। तो गाइस एक बार मेरी प्रोफाइल देख रहे हो, मेरे को नूबड़ा मत समझना, क्योंकि ये है मेरी UID। अगर आपको भेजनी है रिक्वेस्ट तो भेज सकते हो। मेरा हेडशॉट रेट देख लो गाइस, 30% का है, यानी कि मैं काफ़ी हार्ड मारता हूँ। मैं M10 ज़्यादा ही चलाता हूँ, क्योंकि गाइज ये फ्लेम M10 है, ये मेरी फेवरेट M10 है, क्योंकि ये गाइज एकदम हार्ड चलती है, इसलिए गाइज चलाओ। मेरी गिल्ड भी है गाइज, आप इधर पॉज करके देख लेना, भेजना है तो भेज लो, वरना मत भेजो, आपके पास अच्छी गिल्ड भी हो सकती है। तो गाइज टिप नंबर 1 है हमारी सेंसिटिविटी एंड स्किल। तो सेंसिटिविटी एंड स्किल क्या होती है गाइज, मैं आपको इसमें ही बताऊँगा। तो गाइज ये देखो गाइज, आपको ऊपर का सेटिंग वाला बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। ये क्लिक किया और नीचे दिख रही है गाइज आपको सेंसिटिविटी। गाइज अगर आपका 8 GB रैम का फ़ोन है तो गाइज आप 50, 60, 70 इससे ज़्यादा गाइज मत करना, क्योंकि आप ऐसे घुमाओगे ना तो पूरी दुनिया घूम जाओगे। तो गाइज ऐसे 60, 70, 100 तो करना ही मत, 60, 70 ही रखना गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 ही रखना, क्योंकि 50 में ठीक ही चलता है। और गाइज मेरा 2 GB रैम का फ़ोन है, इसलिए मैं तो 100 ही रखूँगा, क्योंकि गाइज अभी मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जो महंगे महंगे फ़ोन खरीदूँ। तो और गाइज आपको रेड डॉट, अगर आपका अच्छा फ़ोन है तो आप 70, 80 रखो, 80 रखो गाइज, आपके काफ़ी हार्ड लगेंगे। 90 भी रख सकते हो, मैं तो 100 ही रखूँगा, आपको बता दिया, मेरा 2 GB रैम का फ़ोन है। 2X तो भाई चाहे कितने GB कितना भी अच्छा फ़ोन ना हो, आपको 100 रखना ही है। और 4X भी यही है। ओम का स्कोप आपको आपके कंट्रोल में, आप जितना भी, मैं तो ओम चलाता हूँ नहीं गाइज, ओम किंग तो अज्जू भाई है। और गाइज ये स्किल की बात करें तो आपको कैरेक्टर पे जाना है। मैं अभी के से खेल रहा हूँ, जो नया कैरेक्टर आया, क्योंकि मेरा फेवरेट व्हील मैंने निकाला है, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि मैं वीडियो बनाना भूल गया था। तो गाइज मेरा फ्री में निकल गया था, मेरे पास आलोक भी है, तो गाइज आलोक का गिव अवे भी होगा। गिव अवे है गाइज, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके पार्टिसिपेट कर लो। मैं गाइज यूज़ करता हूँ, मैं पहले तो कैली यूज़ करता हूँ, क्योंकि गाइज ये तेज़ भागती है तो इससे मूवमेंट स्पीड भी होती है इनक्रीज, और हैकर आए तो जरूर भाई चश्मा देना होता है। और तीसरे में तो गाइज वो यूज़ करता हूँ मैं पलमुआ, आप मुआ थाई कर लो, बुशीडो कर लो, लॉरा कर लो, आपको इधर जितने भी कैरेक्टर आप खरीद कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करना चाहो। न्यूटी मूवमेंट भी करता हूँ जब ट्रेनिंग खेलता हूँ, क्योंकि गाइज जॉसअप भी तेज़ भागता है थोड़ा। तो गाइज ऐसे ही मैं पालमोया ही रखता हूँ ज़्यादातर, तो क्योंकि गाइज मैं SMG गन चलाता हूँ, इसलिए मेरे को पालमोया रखना होता है। तो गाइज यही था सेंसिटिविटी एंड स्किल। तो चलिए अब हम अपने
उस पे जा चलते हैं टिप नंबर टू की तरफ। मैं अपना के ले लूँ जरा के आ जा भाई। तो चलिए गाइज अपने टिप नंबर टू की तरफ चलते हैं। तो गाइज टिप नंबर टू है रिड्यूस रिकॉइल। गाइज रिकॉइल होता है जो एम टन का जो आप लगातार चलाते हो ना उसे कहते हैं गाइज रिकॉइल। ये देखो गाइज मैंने दो गोली मारी, इसका गोला देखना गाइज। अभी मैं जा रहा हूँ, इधर ही मैं जा रहा होता हूँ कि गाइज मेरे को एक बंदा दिखता है इधर की साइड। आप इसका जरा एम टन का गोला देखना, मैंने दो गोली मारी और ये गाइज इतना। कभी कभार आपका रिड्यूस रिकॉइल ख़राब भी होता है, कभी कभार अच्छा भी करता है। फिर से गाइज स्लो मोशन में देख लो एक बार कि गाइज कैसे मारा मैंने। मैं जा ही रहा था, ट्रेनिंग आपकी वीडियो ही बना रहा था आपके लिए, और गाइज यहाँ पर मेरे को बंदा दिखा और ये मैंने थोड़ा पास जाके चलाया। मैंने इधर दो गोली मारी, तीसरी चौथी और ये पांचवी। गाइज आपको सारी सारी की सारी गोलियाँ छोड़ देनी है, सारी जितनी भी गोलियाँ आपको तुरंत चला देनी है। यहाँ पर मैंने गाइज ये देखो एक हेड तो लगना है। ये देखो गाइज मैंने लगातार चलाई। फिर से देखो मैंने ऊपर इस डेजर्ट से मार रहा था इस बंदे को, लेकिन यहाँ पर मेरे बगल में एक बंदा आया, मैंने उसे देखा, एम टेन निकाली, दो गोली मारी, वो नहीं मरा, तीसरी चौथी पांचवी छठी एंड में गाइज वो मर ही गया। मैंने फिर दूसरी एम टेन निकाल के उसे मारा। गाइज फिर अगली टिप नंबर पे चलते हैं। तो गाइज अपना है क्लोज रेंज फाइट। गाइज टिप नंबर थ्री है क्लोज रेंज फाइट। गाइज क्लोज रेंज फाइट होता है जब भी आप एम टेन चला रहे हो। तो गाइज कभी भी दूर से मत चलाना, ये मत समझना कि SMG गन है, MP या दूर से भी मार दूंगा मैं। तो गाइज ये नहीं होता, क्योंकि गाइज एम टेन पास में जाके चलानी होती। ये देखो गाइज मैंने इसे दूर से मारा, एकदम टट्टी डैमेज गया, लेकिन पास जाके मारा तो उसका खोपड़ा खोल दिया। फिर देखो गाइज यहाँ पर इस ये बंदा किसी को मार रहा था, मैं पास जाके मारा एक हेड। अब गाइज मैं पीछे मुड़ा, यहाँ पर एक पैदा हुई लड़की और मैंने इसे देखो गाइस इतना दूर से मारा लेकिन हेड नहीं लगा, दूसरे में मारा तब मारा जाके ये। फिर गाइस आगे चलते हैं, आगे फिर से ये बंदा दिखा, मैं पास में जाके मार रहा था गाइस। आपको देखो गाइस दो गोली में मर गया, लेकिन इसने मेरे को मार दिया क्योंकि गाइस रिकॉइल वो हो गया था, इसके पास वेस्ट और हेलमेट था। लेकिन गाइस ये देखो टिप नंबर टू रिड्यूस रिकॉइल, उसी में वो मर गया। फिर से देखो गाइस मैंने इसको एक गोली मारी, नहीं मारा, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा मारा आगे बढ़ के मर गया। फिर गाइज ये देखो ये एकदम शॉर्ट में डेजर्ट चला रहा, वाह भाई तो दिएगा। टिप नंबर फोर है गाइज जंप एंड फायर। ये भाई बहुत ही ज़रूरी टिप है, इसे ज़रूर देखना। कभी भी आप M10 चलाते हो, नली चलाते हो, कट्टा जो भी बोलते हो, कभी भी चलाओ तो कूद के चलाओ। गाइज ये देखो कूदा मैं हेड शॉट, लेकिन ये पीछे वाले। फिर गाइज आपका एक और होता है कि गाइज ये देखो पहली नली के शॉट इसका। फिर से देखो गाइस स्लो मोशन में दिखाता हूँ। ये देखो गाइस मैं आया, इसका शॉट देखना गाइस, पहली गोली इसकी मिस हो गई क्योंकि मैं कूद गया और इधर हो गया, जिसे कहते कैली से निकलना, वो मैंने करा कैली की मदद से। फिर मैंने इसे तीन गोली मारी और वो मर गया। पांचवा टिप्स है गाइस कवर एंड फायर। जब भी आप मारते हो कभी भी रैंक हो, क्लासिक हो, ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, लेकिन कवर लेकर मारो। फिर से देखो गाइस ये मैं आया, ये बंदा कूदा और ये आ रहा है, मैंने M10 निकाली, मेरे पास तीन गोली थी और दूसरे में भी थी, लेकिन मैंने पहले से ही कवर लिया, फिर इसे मार के सीधा कवर में चला गया। यही होता गाइस कवर एंड फायर। ठीक है गाइस, गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि गाइस आपका एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हाँ मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस जो भी न्यू बंदे हो इसे एक बार फॉलो करके देखना ज़रूर। M10 जो भी चलाते हो, गंदी चलाते हो, नई स्किन मिली है, कैसी भी मिली हो, फ्लेम जैसी भी क्रिएट में निकली हो, गाइस एक बार ये ट्रिक ज़रूर, ये पाँचों ट्रिक और टिप्स ज़रूर देखना गाइस, और ज़रूर इस्तेमाल करना, क्योंकि गाइस ये सब आपके लिए ही है। शुक्रिया गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।